उधर PK-70 से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार शाह फरमान का दोबारा गिनती का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन में शाह फरमान की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, दोबारा गिनती के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को बैलेट बॉक्स गायब होने की दरख्वास्त दी थी। इसी हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे अपने नुमाइंदा फौजिया चौधरी से। फौजिया चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या कहना था मजीद शाह फरमान का? जी बिल्कुल, शाह फरमान का इलेक्शन कमीशन में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहना था कि दोबारा गिनती के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को बैलेट बॉक्स गायब होने की दरख्वास्त दी थी और इलेक्शन कमीशन से गैर जारिमदाराना रिटर्निंग ऑफिसर की भी तैनाती का मुतालबा किया था। उनका कहना था कि हमारे एक पूरे पोलिंग स्टेशन के वोट हैं वो मुस्तरद किए गए हैं और जैसे ही फैसला आएगा हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और दोबारा गिनती के बाद के 70 से MP के खुशदिल खान जो थे वो जीते हैं। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फौजिया चौधरी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।